दोस्तों, वैसे तो आपने देखा होगा कि हिंदू अपने मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करते हैं और मुसलमान अपने मस्जिद जाकर, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव का एक शिवलिंग ऐसा भी है जिसकी पूजा हिंदू तो करते ही हैं, साथ ही मुसलमान भी करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि महादेव के उस शिवलिंग की पूजा आखिर मुसलमान क्यों करते हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक झारखंडेश्वर शिव नाम का महादेव मंदिर है। इस मंदिर के शिवलिंग पर एक कलमा गुदा हुआ है जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसीलिए उस शिवलिंग पर जितनी आस्था हिंदुओं की है उतनी ही मुसलमानों की भी है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर शिवलिंग पर कलमा किसने खुदवाया और क्यों? तो दोस्तों, आपको बता दें, ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, यानी कि ये धरती से खुद ही निकला था, इसीलिए इस शिवलिंग की बहुत मान्यता है। जब मोहम्मद गजनबी भारत आया तो उसने महादेव के इस शिवलिंग को चुराने की कोशिश की, लेकिन जब वो उस शिवलिंग को नहीं ले जा पाया तो उसने शिवलिंग पर ही उर्दू भाषा में एक कलमा खुदवा दिया जिससे हिंदू उसकी पूजा नहीं कर पाए। पर हुआ इसका उल्टा, हिंदुओं की आस्था तो उस शिवलिंग से नहीं कम हुई बल्कि मुसलमानों के लिए भी वो शिवलिंग पूजनीय हो गया, क्योंकि उसमें एक बेहद पवित्र कलमा खुदवा दिया गया था। इसलिए आज भी उस शिवलिंग को हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी पूजते हैं। दोस्तों, ये कोई एकलौता स्वयंभू शिवलिंग नहीं है जिसकी मान्यता इतनी ज्यादा है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा ही एक स्वयंभू शिवलिंग और है जो दुनिया में आने वाली प्रलय को लेकर चेतावनी दिया करता है। जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे तो देश में कई स्वयंभू शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन एक शिवलिंग है जो महाप्रलय को लेकर आगाह करता है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मृदेश्वर मंदिर की, जो अपने बढ़ते आकार के साथ सर्वनाश होने का भी संकेत देता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग में बढ़ते पापों की निशानी है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि जिस दिन ये शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छू लेगा उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये शिवलिंग छत तक कब पहुंचेगा? ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी बढ़ने की रफ्तार देखकर ऐसा माना जाता है कि इसे अभी छत तक पहुंचने में लाखों साल का समय लगेगा। इतना ही नहीं, इस मृदेश्वर शिवलिंग की एक और खास बात है, कहते हैं कि यहाँ खुद से ही पानी की धारा निकलती रहती है। और तो और, ज्यादा गर्मी होने पर भी ये धारा न तो कम होती है और न ही सूखती है, यानी कि गर्मी होने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि इस बारे में किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ कलयुग के खत्म होने की बात सुनकर डर गए हैं तो डरे नहीं, क्योंकि अब हम आपसे एक और चौंका देने वाली बात का खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक एकलौता ऐसा मंदिर नहीं है जो दुनिया खत्म होने की कहानी बयां करता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा नाम का एक मंदिर है जिसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य छुपा है। पर सोचने वाली बात है, आखिर कैसे? ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले नरेश ऋतु पर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे, जिसके बाद अधिशेष ऋतु पर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ शिव शंभू के दर्शन करने का भी मौका मिला। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी अर्चना करने के लिए वहाँ आते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर की खोज भी बड़ी अनोखी थी, जो जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जिसके बाद उन्होंने वहाँ तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। और तो और, इस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पिंडियां हैं जिन पर प्रकृति बारी बारी से जल अभिषेक करती है। यहाँ चार युगों सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के प्रतीक रूप में चार पत्थर स्थापित हैं। वहीं जो पत्थर कलयुग का प्रतीक है वो सबसे ऊंचा है, जबकि पहले तीन युगों के जो पत्थर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन, सर्वो सनातन।